दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम, भारत माता की जय। मैं आपका दोस्त प्रतीक, मैं बात करूंगा आज आईटीआई के रिजल्ट पे। दोस्तों आईटीआई ने आपका रिजल्ट जारी कर दिया है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप अपना रिजल्ट आसानी से घर बैठे आईटीआई की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको हमारे वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी मत करें। एक एक प्रोसेस आपको अच्छे से समझना है, तभी आप जाकर अपना आईटीआई का रिजल्ट चेक कर पाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। वीडियो अगर हमारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आईटीआई का रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाना होगा। तो चलो सबसे पहले हम खोल लेते हैं गूगल, और जैसा आप देख सकते हैं ये हमारा गूगल खुल गया। अब गूगल के सर्च बार में हम सर्च करेंगे आईटीआई की गवर्नमेंट की वेबसाइट NCBT MIS। हमारा NCBT से था, तो आप जैसा देख सकते हैं हमने पहले भी सर्च कर रखा है, लेकिन फिर भी हम डाल के आपको दिखा दे रहे हैं NCBT MIS। जैसे हम लिख के इंटर पे क्लिक करते हैं, हमारी विंडो कुछ इस तरीके से खुल जाती है और हमारे डिस्प्ले पे दिख रहा है, अलग अलग साइट दिख रही है। अब हमें गवर्नमेंट की साइट पे जाना है। वैसे दुनिया भर की फेक साइटें दिखेंगी जिसपे कुछ नहीं खुलने वाला, हमें गवर्नमेंट ध्यान रखना, हमें गवर्नमेंट की साइट पे जाना है। और गवर्नमेंट की साइट चेक करने के लिए मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट की साइट पे हमेशा पीछे gov.in लिखा रहता है। जैसे आप सबसे ऊपर वाली साइट देख सकते हैं, ये देखिए NCBT MIS, इसके ऊपर लिखा हुआ https://www.ncbt.ncbtmis.gov.in। gov. मतलब ये गवर्नमेंट की साइट है, हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर हमने क्लिक किया, कुछ इस तरीके से हमारी साइट खुलने लगी। देखिए ये हमारी साइट खुल गई, NCBT की ये साइट खुल गई, NCBT का ये आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है। अब हमें रिजल्ट चेक करना है। यहाँ से हम बहुत कुछ देख सकते हैं, जैसे ये हमारा होम पेज है, होम पेज मतलब ये पूरा पेज। फिर ITI, हमें ITI सर्च करना हो, कोई भी ITI हम सर्च कर सकते हैं, ITI काउंट करना, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ ट्रेनी से जाके हम अपना सब कुछ देख सकते हैं। जैसे ट्रेनी प्रोफाइल, जब हमें डाउनलोड करना था अपना शेड्यूल, तो हम ट्रेनी प्रोफाइल पे जाके हमने डाउनलोड किया। हम बेबी रिजल्ट पे भी हम जाके देख सकते हैं, लेकिन अभी हम रिजल्ट चेक करना, हम यहाँ पे जाते हैं वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हैं। वेरिफिकेशन पे जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पे तीन ऑप्शन खुल गया, एक लिखा हुआ जाना है वेरिफिकेशन पे क्लिक करना। वेरिफिकेशन पे हमने जैसे क्लिक किया, अभी इधर आ रहा ई सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, सर्टिफाइड ट्रेनी सर्स, हमें मार्कशीट वेरिफिकेशन, हमें मार्कशीट वेरिफिकेशन पे जाके यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हम मार्कशीट वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारी साइट खुल गई, हमारे डिस्प्ले पे कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। अब इसमें देखिए यहाँ पे मांग रहा है रोल नंबर, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका, जो रोल नंबर था वो यहाँ मांग रहा है। फिर इसके बाद आपका मांग रहा है एग्ज़ाम सिस्टम, मतलब आपका क्या सेमेस्टर वाइज है कि एनुअल है, हमें एनुअल एग्ज़ाम पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे मांग रहा है आपका ईयर, फर्स्ट ईयर है या सेकेंड ईयर है, तो यहाँ पे हमें डालना है अपना रोल नंबर। और याद रहे कि हमें रोल नंबर में आगे के जो 00 रहते हैं वो 00 नहीं करना है, नहीं डालना है, ना ही आगे आर लिख के, हमारा सिर्फ जो अंक है अंक ही हमें इसमें डालना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको ईयर में जाके आपको सेमेस्टर ने एनुअल, हमारा एनुअल एग्ज़ाम था, एनुअल पे क्लिक करना है। और यहाँ फिर ईयर में जाके अगर आप फर्स्ट ईयर का रिजल्ट चेक कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर का चेक कर रहे हो तो सेकेंड ईयर पे क्लिक करना। चलिए मैं आपको अपना रोल नंबर डाल के दिखाता हूँ। वहाँ पे हमें देखो, यहाँ पे हमें ईयर सेलेक्ट करना है। जैसे मान लो मेरा फर्स्ट ईयर है, हमने रोल नंबर डाल दिया, फर्स्ट ईयर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे एग्ज़ाम सिस्टम, हमें जो भी एग्ज़ाम है चाहे वो एनुअल है या सेमेस्टर वाइज है, उसके बाद हमें यहाँ सर्च पे क्लिक करना है। तो ठीक है, हमारा जैसे मान लो एनुअल एग्ज़ाम था वो करके हमें यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। हमने सर्च पे क्लिक कर दिया और आप देख सकते हो कि ये मेरा रिजल्ट डिस्प्ले पर शो कर रहा है। ये मेरा रिजल्ट खुल गया, मेरा नाम भूपेंद्र कुमार गोस्वामी, देखो एकेडमिक ईयर अगस्त 2021, मेरा रोल नंबर इलेक्ट्रीशियन, ITI कोड, ITI नेम, KP ITI, सब पूरा खुल गया। देखो ओवरऑल रिजल्ट मेरा दिखा रहा है पास, मतलब मैं पास हूँ। अब बात नंबर की करें तो
तो आप देख सकते हैं ये है ट्रेड थ्योरी। थ्योरी में मुझे कितना इतना नंबर मिला है, 40 नंबर मिला हुआ है। एम्प्लॉयमेंट स्किल में 32 नंबर मिला हुआ है। अब वर्कशॉप कैलकुलेशन में 0 नंबर दिखा रहा है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में 0 नंबर दिखा रहा है। जैसा आप देख सकते हैं इसमें 0-0 नंबर दिखा रहा है। ये इसलिए दिखा रहा है, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं कि आपको कोई नंबर नहीं मिला, आप फेल हो गए हो। आप फेल नहीं हो, आप पास हो। ये सिस्टम की गलती है, आपकी गलती नहीं है। ये सिस्टम पे गलत अपलोड हुआ है। बाकी ओवरऑल मुझे 514 नंबर मिला हुआ है। इसमें मैक्सिमम मार्क 700 दिखा रहा है। वैसे हमारा जो है मैक्सिमम मार्क 600 में है और मुझे 514 नंबर मिला हुआ है। ये इन दोनों का नंबर आपका ऑलरेडी जुड़ गया है थ्योरी में। यहाँ ये ट्रेड थ्योरी है, ट्रेड थ्योरी में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। ये खाली ये गलती से चढ़ा हुआ है, ये पूर्णांक 100 नंबर ये गलती से दिख रहा है। तो आप लोगों में भी अगर ऐसा दिखे तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं। आप सब पास हो, अच्छे से पास हो। दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कहीं भी कोई डाउट हो तो हमें ज़रूर बताओ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री।